तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से राइजिंग गेम्स की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज मैं फिर से खेल रहा हूँ सर्वाइव ऑन क्राफ्ट। तो चलो, अपने फर्स्ट पर्सन में तो रहता ही हूँ मैं ज्यादातर, और थोड़े ग्राफिक्स थोड़े अलग से लग रहे, क्यों क्या पता क्या होगा, क्या पता। पर देखो मैंने क्या किया, रिसोर्सेज बहुत सारे कलेक्ट करके रखा। अभी तुम लोग को इन्वेंट्री ओपन करके बता दो, देखो कितने सारे मैंने ये अपनी सी वीड जमा करके रखा हूँ। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अपने को देखो वॉल को कलर मारना है, और वॉल को कलर मारने के वास्ते अपने को वॉल भी लगेगी। इसके वास्ते देखते अपन ग्राउंड फ्लोर आज कंप्लीट करते हैं, और ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होने के बाद ही एक देखते पेंट भी मार लेंगे, और पेंट कैसे मारना भी बता दूंगा आज की वीडियो के अंदर। थोड़े से और रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है अभी, सही में कम है। और ये इसको थोड़ा पानी देना भाई, बाकी तो इनको पानी दे देते, थोड़ा पानी देऊंगा बाद में क्योंकि बाल्टी मेरी टूट चुकी है। और मैं सबसे पहले सारी सी वीट ले लेता हूँ मेरी, और एक स्टैक रहने देता हूँ सिर्फ ऐसी, क्योंकि इतना बाकी सब दूसरे भी चीज़ें नहीं है मेरे पास कि मैं सी वीट इतनी यूज़ कर सकूँ। और सी वीट के साथ अपने को लगेंगे क्या, रग्स लगेंगे, और स्क्रैप तो है अपने पास, फिर भी ले लेता हूँ 50 रग्स ले लिया। और अपने को लगेंगे प्लैंक, और प्लैंक क्योंकि अपन को घर आज बिल्ड करना है, तो बस जितना हो सकता उतना अपन ने ले लिए, 3-4 स्टैक ले लिए प्लैंक। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले इसमें जाके अपन क्राफ्ट कर लेते अपनी रोप, जो कि 81 और 283 रोप अपनी को भी देख लो जरा इन्वेंट्री में एक बार। हो देखो 50-50 नीचे 50, मतलब हज़ार बोलो 100 से भी ज़्यादा रोप है अपने पास, 102 रोप है अपने पास, क्योंकि पहले की भी रोप थी अपने पास। तो ठीक है, चलो सबसे पहले अपन वॉल ही बना लेते कुछ थोड़ी हद तक, ताकि अपन उसको पेंट कर सकें। तो इसको लेते वॉल बनाने, क्या लगेगा बेसिक्स में जाके वॉल, ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। 1 2 इधर एक विंडो आएगी, 1 2 ठीक है चलो मैंने बना दिया इधर भी 1, और मेरा हैमर ही टूट गया। तो ठीक है, और एक हैमर बना लेते, और फटाफट से इधर भी एक वॉल, और इधर एक विंडो आएगी, इधर एक वॉल, इधर एक वॉल, और इधर 2, और इधर पूरे जगह वही रहेगी, इधर विंडो नहीं आएगी, इधर नहीं रख रहा हूँ जानबूझ के विंडो। और एक अपने को इसमें लिफ्ट भी बनानी है, जो कि आगे वाले एपिसोड में लिफ्ट अपन बनाएंगे। परफेक्ट, और एक हैमर टूट गया, पर रोप अपनी शायद से भी खत्म होने वाली है, देख लेते फिर भी एक कुछ वॉल बनती है कि नहीं। और एक और ये जगह मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ये जगह पे अपनी अपनी लिफ्ट बनाएंगे। तो इसको यहाँ से ऐसा कवर कर लेता हूँ, उन्हें इधर से इसको रहने देता हूँ, इधर से सिर्फ डोर फ्रेम लगा देता हूँ मैं, क्योंकि इधर अपन लिफ्ट बनाएंगे तो चारों तरफ से इसको डोर फ्रेम लगा देते, क्या पता लिफ्ट इसके अंदर बना पाएंगे कि नहीं। फिर भी इसको मैंने लगा दिया देखो एक, क्योंकि यहाँ से अपने को एक लिफ्ट बनाना है, उसको छोड़ लिफ्ट का देखते हैं बाद में कभी बनाएंगे। अभी सबसे पहले और एक दो विंडो बना लेते इधर, जो ज़्यादा विंडो बनाने की थी, विंडो के वास्ते अपने को रोप खत्म हो चुकी है। तो छोड़ो आज के वीडियो के अंदर अपन रोप का काम छोड़ो, मैंने जितनी बना लिया वो तो बस बोनस के अंदर बन गया घर। और मैं थोड़ा एक ड्रॉप भी मंगा लूँ शिप से भी। ओ मेरी पिस्तल भी खत्म हो गई, अभी मिलेगी किधर ना किधर से। तो देखो सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूँ कि अपने वॉल को कलर करने के वास्ते क्या क्या लगेगा। सबसे पहले कलर करने के वास्ते देखो इसके अंदर इन्वेंट्री में जाएंगे तो एक लगता है ब्रश, और ये लगता है पेंट, बस ब्रश लगता है और पेंट लगता है। और पेंट बनाने के वास्ते लगता है 2 कलर के फ्लावर्स, एक लाल वाला लगता है, एक वो ऑरेंज वाला लगता है। तो दोनों अपने को कहाँ मिलते हैं, जब अपन आइलैंड के ऊपर जाते हैं ना तो ऐसी फ्लावर पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर मिल जाता है अपने को, मतलब वहाँ से कलेक्ट करना पड़ते हैं। मैंने पहले भी एक बार किया नहीं आज तक मैंने, क्योंकि न्यू अपडेट के अंदर आया, पर आगे एक्सप्लोर करने जाएंगे आइलैंड तो अपन कर लेंगे वहाँ से कलेक्ट। और मैं एक बार आइलैंड पे गया था तो देखो इसके अंदर रखा हूँ, इसमें नहीं है, इसके अंदर है। ये देखो 4 ये फ्लावर है अपने ऑरेंज वाले, और 2 ये फ्लावर है। तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए। हाँ तो चलो दोनों मैंने फ्लावर इन्वेंट्री में अपने ले लिया, और भी चीज़ें हैं उसके अंदर, पर सबसे पहले देखो अपने को पेंट बनाना पड़ेगा। और पेंट बनाने के वास्ते तो मतलब पेंट तो बन जाएगा आराम से, बस अपने को ब्रश बनाना पड़ेगा। ब्रश बनाने के वास्ते लगेंगे 3 ग्लू 2 प्लैंक और 3 रग्स। तो अपने को ग्लू लेना पड़ेगा इसके अंदर से, ग्लू बनाने के वास्ते लेना पड़ेगा, और मैं 10 ग्लू बना लेता हूँ एक साथ। अच्छा हो मैंने एक स्टैक रखा हो, मतलब अगर एक स्टैक नहीं रखता मैं तो फिर कैसे ग्लू बनाता। और सबसे पहले अपन एक ब्रश बना लेते, मैं भी फर्स्ट टाइम कलर कर रहा हूँ इसका, मुझे भी पता नहीं कैसे यूज करते। तो
अच्छा देखो ब्रश तो बन गया। ओ ऐसा होता है क्या, समझ गया समझ गया। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ फिर भी मैं समझ जाता हूँ और समझा देता हूँ। और अपने को बनाने का ये क्या बोलते हैं इसको, पेंट। अच्छा अपने को पेंट बनाना है और उसके बाद तो थोड़ी सी लगेगी सीवीड, क्योंकि मैंने अपनी सारी सीवीड खर्चा कर दिया। और चलो ये मेरे रिसोर्सेज नेट के अंदर सीवीड मिली मेरे को, और चलो बना लेता हूँ मैं बल्क के अंदर पेंट बना लेता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे पेंट रहेंगे, और क्राफ्ट कर लेता हूँ वन। और कितना आया मेरे को इन्वेंट्री में, 10 पेंट आ गया, मतलब अपन इससे 10 वॉल को पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने का सिंपली ब्रश को क्लिक करना है और जो कलर अपने को सिलेक्ट करना है वो कलर के ऊपर वो करना है, और ये नो वाला है, मतलब अपने को कलर हटाना भी इससे ही पड़ेगा, शायद ये इरेजर है मेरे ख्याल से, अभी देखते अपन। और मैं इसको करने वाला हूँ अपना येलो कलर, देखते पहले येलो कलर कैसा करेंगे। तो येलो कलर करके इसको एक्सेप्ट कर लेने का, देखो अपने ब्रश के ऊपर येलो आ गया और वॉल पे बस जाके ओ बस को दबाते रहना है। और शायद से हो गया, शायद से हो गया। मैं इन्वेंटरी में जाके देखता हूँ मेरा कितना कलर वेस्ट हो गया, मैंने ज़्यादा ही वेस्ट कर दिया कलर। ओ मैंने देखो अभी अभी जो किया ना वो गलती नहीं करना, जो गलती मैंने किया, क्योंकि अभी अभी देखो मैंने क्या किया, बहुत बार क्लिक करते गया, मेरे को लगा कलर और डार्क होगा, पर ये कलर डार्क नहीं होता है, ये कलर बस होते जाते हैं, एक ही बार क्लिक करना है उसके बाद क्लिक नहीं करना है। तो और मेरे को पेंट बनाने के वास्ते क्या लगेगा, बल्क में पेंट बनाने के वास्ते लगेगा मेरे को बस सीवीड, जो कि मेरे पास नहीं है, जो कि मिल गई, ठीक है सीवीड मिल गई। और मैं एक बार बल्क में पेंट बना लेता हूँ, और ये कलर इतना फीका कि वे क्या पता, मैं ग्रीन कलर करके देखता हूँ। बस एक बार बल्क में पेंट बना लिया और मैं ये देखो ये ग्रीन कलर को लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है, बस यही अच्छा दिख रहा है। जब दूर से जाके देखते कैसा देखेगा, वो ग्रीन कलर और भी अच्छा दिख रहा है पर येलो से। और दूसरे भी कलर करके देखते हैं, पहले ग्रीन ग्रीन कर लेते हैं, और दूसरे कलर को करने के वास्ते अपने को दूसरा ब्लैक नहीं तो अपना येलो कर, येलो तो कर लिए, ब्लू करके देखते एक बार एक्सेप्ट। ब्लू कलर देखो अपना आ गया ब्रश के अंदर, और जितना ब्राइट इसके अंदर है उतना ब्राइट अगर इसके अंदर भी होता तो वाओ, ब्लू तो अलग ही चमक दे रहा है। ये देखो सतरंगी रेनबो बनने वाला है वैसे, और ब्लैक में शायद से डोर को कर देता हूँ एक बार। ओ मैंने इसको भी नीचे भी ब्लैक कर दिया, और अपने को करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, अच्छा देखो ब्लैक, ब्लैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैं ओ डिस्ट्रॉय होने वाला था आइटम, क्या आइटम डिस्ट्रॉय हो गया, अच्छा मेरी फिश, हाँ ठीक है चलो ब्लैक ले लिया मैंने, और ब्लैक को पेंट करके देखते ब्लैक कितना गंदा दिख रहा है। मतलब देखो ब्लू कलर ठीक दिख रहा है इसके नीचे, ब्लू ब्लू और ग्रीन ठीक दिख रहा है, येलो भी एक हद तक ठीक दिख रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। और एक कलर रहेगा इसके अंदर तो मैं ये रेड कलर, क्योंकि रेड कलर भी मैं करके देख लेता एक्सेप्ट करता हूँ, और रेड कलर भी करके बता देता हूँ तुम लोग को। मुझे कमेंट करके बताना कौन सा अच्छा लग रहा है, और मेरा ब्रश खराब हो गया, मतलब ब्रश इतने देर चलता नहीं है, पर ब्रश ज़्यादा वो नहीं है, कॉस्टली नहीं है तो मैं बना सकता हूँ। चलो इसको एक्सेप्ट करके कर लेते हैं, और ये रेड कर लेते हैं, और शायद से अपन वो पोच भी सकते हैं। देखो ये इसको एक एक्सेप्ट करता हूँ मैं, एकदम वाइट कलर हो गया, और मैं इससे अच्छा इसको साफ कर सकते, बोला था ना साफ कर सकते इससे। तो देखो अपने ये सब कलर हो गए, 1 2 3 4 चार कलर है अपने पास, और एक इरेजर है, देखो 1 2 3 4 5 एक कलर कौन सा नहीं किया मैंने, अच्छा ब्लैक भी किया मैंने बीच के अंदर देख लो। तो अपने को 5 कलर आए बस, और 5 कलर मतलब 10 कलर बनते एक बार बनाने से, बल्क बनाने से तो 10 वॉल को कलर कर सकते। और मैंने जो अभी गलती किया तो नहीं करना, और मैं इन्वेंट्री में देख लूँ जरा क्या बचा है, तो इन्वेंट्री में पेंट कितना है मेरे पास, और पेंट एक बचा है मेरे पास, तो सोच रहा हूँ इधर डोर भी बना के देख लूँ कि डोर के ऊपर भी अलग पेंट होता है कि नहीं होता है, वैसे डोर की रेसिपी अनलॉक हुई कि नहीं हुई मेरी, डोर डोर डोर। अच्छा चलो डोर मिल गया मेरे को, उसका ऐसा लगेगी बस 2 रोप और फटाफट से मैं एक रोप बना सकता हूँ, और एक रोप बनाना पड़ेगी मुझको। तो रोप बनाने के वास्ते सीवीड आज अच्छा मिल रहा है मुझको, सीवीड जब सीवीड चाहो जब सीवीड मिल रहा है मेरे को, तो रिसोर्सेज नेट लगाने का फायदा होता है। वैसे येलो कलर भी अच्छा ही दिखने लगा है अभी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कुछ कमेंट करते नहीं है, बस ये कमेंट करके बता देना कि कौन सा कलर पूरे घर को कर, देखो सारे कलर तुम लोग के सामने है, और कुछ जो कलर बोलेंगे वही कलर में कमेंट में बोल देना, तो मैं मतलब कर दूंगा, लिप बनाने के बाद कलर करने वाला हूँ, उसके लिए आराम से कमेंट करके बता देना। और अपन क्या क्राफ्ट कर रहे थे, भूल गया मैं, ठीक है डोर क्राफ्ट कर रहे थे, और डोर के ऊपर भी होता है कि नहीं देख लेते, तो बिल्ड करते डोर, और ये डोर लगा देते, और डोर के ऊपर मैं बोला लाल कलर हुआ है क्या, तो एक बार ब्रश लेते और इसमें से एक्सेप्ट करेंगे, डोर के ऊपर ब्लू करता हूँ, नहीं मैं हरा कर देता हूँ, देखता हूँ और डोर के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है,
और डोर के ऊपर कलर नहीं कर सकते, तो बस अभी क्या कर सकते डोर के ऊपर कलर नहीं। और एक चीज देखना था मुझको, क्या अंदर से भी कलर हो जा रहा है? यस, अंदर से भी कलर हो जा रहा है। यस, और ये ग्रीन कलर इसको कर देता हूँ मैं, खत्म। नो इन अ ब्लैंक पेंट। और ये शार्क भी आ गई वीडियो एंड करने से पहले, और दिख गए मुझको उधर शार्क, और ये कैक हो गया, ये शार्क तोड़ डालने वाली मेरा, और मैं फंस गया इधर। क्या तोड़ रही, क्या नुकसान करेगी, क्या पता। फिर भी मैं स्पीड में भाग के देखता हूँ ट्राई करने का, बचाने का। एक दो तीन, मर जा, मर गई ना। वो शार्क से पहले मेरे को अपना वो ट्रेडर बुलाना पड़ेगा, वो ट्रेडर वो जा रहा है। जल्दी 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 ट्रेडर, हाथ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ट्रेडर के भाग ना जाए। हाँ बुला लिया, चलो अब ट्रेडर एकदम कायक के पास आके खड़े हो जाएगा। हाँ देखो हो गया खड़ा, और इसको देखते क्या क्या ब्लू प्रिंट लाया। तो अच्छे खासे ब्लू प्रिंट लेके आया इसने, वॉल लॉग लेके आया और एंगल टाइल्स लेके आया, और कुछ सामान, बैटरी लेके आया जिसका यूज मुझे भी नहीं पता, एक्सटिंग्विशर का यूज मुझे पता है। और पटाटो का भाव ज्यादा चल रहा है, चलो देखते कितना ज्यादा चल रहा है। ऐसे तो 3 रुपए में एक बटाटा खरीदता ही है, पर अभी कितने में खरीदेगा मुझे भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं अपन, 50 बटाटे ले लेते पटाटोस, तो इससे क्या करेगा क्या पता। मैंने बहुत मेहनत से हार्वेस्ट करके मतलब बनाया हूँ, और 50 का 200 दे रहा है, मतलब 4 रुपए दे रहा है एक बटाटे का। तो इतना भी कुछ वो खास नहीं है, फिर भी बेच देता हूँ, एक बार लाया हो तो। वो इससे भी ज्यादा दे रहा है, ठीक है चलो बटाटे एक काम करता हूँ पूरे ही बेच देता हूँ, क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बटाटे तो मैं उगा लूंगा, ज्यादा नहीं है मेरे पास बटाटे, 1, 2, 3, 4 स्टैक है बस। तो चारों के चारों स्टैक में उगा के रख लूंगा, क्योंकि बटाटे फार्म करना बहुत ईजी है, और बटाटे का प्राइस बहुत कम बारी वो होता है। और एक साथ मेरे को 75 मतलब 800 होने ही वाले हैं, तो 800 के वास्ते क्या बेचूँ, और क्या बेच दूँ, कुछ भी तो नहीं है, प्लैंक बेच देता हूँ। हो गए चलो 800, और भेज दिया 800 के अंदर, और मैं खरीद सकता हूँ अपना डोर लॉक, ये वॉल लॉक, वॉल लॉक खरीद सकता हूँ, रूफ एंगल खरीद सकता हूँ। पर ये इतने कुछ काम की चीज़ें नहीं दिख रही है मेरे को, फिर भी देख लेता हूँ क्या ले लेता हूँ। तो एक बार अपने हैमर के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ मैं, हैमर के अंदर तो रेसिपी मेरे को मिली नहीं, और थोड़ा सा खाना पानी जरूरी है मेरे को, हेल्थ खत्म हो रही है। तो मेरा मन कर रहा है वॉल लॉक ले लूँ, क्योंकि अच्छा दिख रहा है, देखो अभी ऊपर आ गया, वॉल लॉक ले लूँ। और मेरे पास $600 बचे हैं, तो एक्सटिंग्विशर ले लूँ क्या नहीं ले लूँ, वैसे आग तो लगी नहीं अभी तक, तो ये रूफ टाइल ले लेता हूँ, वो भी एंगल वाली, ठीक है ले लिया। और मेरे पास सिर्फ 77 रुपीस या पल कुछ बचे, तो इसको भगा देता हूँ मैं, ताकि ऑफिस जल्दी से जल्दी आए, और कुछ तो बेचना नहीं है इसको मैंने। चलो बाय बाय, चले गया, और रिसोर्सेस तो कलेक्ट हो गए इधर मेरे बहुत सारे। तो देखो अभी रात भी हो गई है, और ये कलर देखो रात में भी कैसे दिख रहे हैं, तो मैंने हर एक चीज़ बता दी तुमको। इधर दो जगह विंडो लगानी है, जिसके वास्ते मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो बस आज की डिप्लाई मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना था IGF, और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा कलर मैं करूँ अपने घर को, या फिर ऐसी सतरंगी कलर करूँ। ऐसे में अगर तुम लोग बोलोगे तो इसको हटा दूंगा। और एक चीज़ ट्राई करनी है मेरे को, कि अपनी कलर तो खत्म हो गया है, पर इसको क्या रिमूव कर सकते अपन डायरेक्ट जाके, वो मतलब रिमूव करने के वास्ते भी अपने को पेंट लगता है, मतलब एक बार पेंट कर दे तो उसको नॉर्मल करने के वास्ते भी पेंट लगता है, ये क्या का लॉजिक है। तो बस बाय बाय, और रात की हो रही है, सुबह करके बाय बाय बोलूंगा। वो जमीन पे सो रहा था, बाय बाय।